चुनाव आयोग ने सोमवार को छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 7 नवंबर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणामों की घोषणा 3 दिसंबर को होगी। ऐसे में आज से 55 दिन बाद प्रदेश को नई सरकार मिल जाएगी। नई दिल्ली में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को 3 बार न्यूज़पेपर में अपनी जानकारी विज्ञापित करानी होगी। वहीं राजनीतिक दलों को भी बताना पड़ेगा कि ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुल 2.03 करोड़ मतदाता हैं। इनमें 1.01 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं, तो 1.02 करोड़ महिला वोटर्स हैं, जबकि 18 से 22 साल की आयु के 18.68 लाख मतदाता हैं। छत्तीसगढ़ में पिछली बार 2 फेज में 12 और 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। रिजल्ट 11 दिसंबर को अनाउंस किया गया था। 18 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था। आचार संहिता लगते ही किसी भी सरकारी काम के लिए चुनाव आयोग की सहमति अनिवार्य होगी। इसके साथ ही सरकारी वाहनों के उपयोग पर बैन लग जाएगा। वहीं प्रदेश भर में लगे चुनावी प्रचार वाले सभी पोस्टर बैनर 24 घंटे में हटा दिए जाएंगे। मंत्रियों की सरकारी गाड़ियां और सुविधाएं छोड़नी पड़ेगी। नए कामों की घोषणा नहीं की जा सकेगी, लेकिन पुराने काम जो पहले से चलते आ रहे हैं वो चलते रहेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ छत्तीसगढ़, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in the for the two first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th, date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of gazette notification would be 30th October. And date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in it.